मोहम्मद इलाज, ये क्या किया आपने? सुपर डायमंड्स नहीं बने थे, डायमंड सारे उतार दिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, चलो सीधे हो। डायमंड नहीं लगाने थे आपने? मुझसे पूछे कि मामा उतार दो, आपने पूछा? ये किसने किया? ये किसने किया? ये किसने किया? ये किसने किया? आपने किया? छोड़ दो, ये पॉइजन है। हाँ? ये नहीं है, ये मैं फेंक दूंगी। इसमें क्या है? इसमें गंद है, पॉइजन है, पॉइजन। ओके, मुझे पॉइजन बहुत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो मोहम्मद इलाफ ने इस बोट के जो काम किया, सबसे पहले वो ये किया कि मेरा वेडिंग जो क्लच था वो ड्रेसिंग टेबल से निकाला और उसको आराम से सुकून से बैठ के उसके सारे ऊपर से बीड्स डायमंड वगैरह उतार दिए। तो मैं बहुत कम यूज़ करती थी, मेरे अपनी वेडिंग का था तो मैंने संभाल के रखा हुआ था। मैं किचन में कुकिंग वगैरह कर रही हूँ तो मोहम्मद इलाफ ने पीछे वो अपना काम कर दिखाया। तो यहाँ मैंने वाइट चिकन कढ़ाई बनाई है और साथ ही मूंग दाल तड़का बनाई है। तो साथ ही मैं कल बेकरी गई थी तो ओरियो बिस्किट और मैरी बिस्किट लाई थी। मैं इनसे आपको डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगी। ओरियो तो मैं लाई थी ओरियो केक बनाने के लिए, लेकिन इसमें यही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिला, दूसरा नहीं मिला। तो मैरी से भी मैं आपको डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगी। तो ये है कि जब जल्दी में हो, कोई अचानक मेहमान आ जाए तो ये चीज़ें अगर आपके पास हो, क्रीम वगैरह, तो ईज़िली आप एक अच्छा सा डिज़र्ट फ़ौरी तौर पर तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ मोहम्मद इलाफ को मैंने रेडी कर दिया है और मोहम्मद इलाफ के जो कज़न है मुस्तफ़ा वो भी आ गए। तो बाहर तो सुबह से बारिश हो रही है तो इन्हें मैंने अंदर ही बिठाया टीवी वगैरह लगा के। तो दूसरे रूम में से ये दोनों टॉयज़ वगैरह इस रूम में ले आए। तो मैंने आज खाना पहले बनाया और घर की सफाई वगैरह बाद में की है। और ये था कि मैंने बाज़ार भी जाना है, इस वजह से आपको जो वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी नहीं दे सकी। तो वो पहले से मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मोहम्मद इलाफ और उनके कज़न बैठे हुए हैं और मोहम्मद इलाफ अपने कज़न के साथ बहुत खुश होते हैं। कौन विन हो रहा है खाना? मैं? कौन? मुस्तफा पहले लाज देख रही है मामा। यहाँ मुस्तफ़ा के भाई अहमद भी आ गए और बस वो टॉयज़ के साथ खेलना शुरू हो गया अहमद भी। और बस इन्हें मैंने चॉकलेट्स वगैरह दी तो ये खा रहे थे। तो बस मुस्तफ़ा और अहमद जाने वाले हैं, इसके बाद मैं थोड़ा बहुत जो घर का काम है वो करूँगी, नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी और फिर मैंने अम्मी और अब्बू के साथ बाज़ार जाना है। तो बस अम्मी अब्बू आ गए थे तो मैं उनके साथ बाज़ार जा रही हूँ, क्योंकि कुछ सिस्टर्स के भी कपड़े लेने और मैंने अपने भी दर्जी से कपड़े लेने थे। तो बस हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं।
सबसे पहले हम कॉस्मेटिक्स की शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी तो सबसे पहले उधर जा रहे हैं और फिर कपड़ों की तरफ जाएंगे, कपड़े ख़रीदेंगे और उसके बाद लास्ट में दर्जी के पास जाएंगे। तो बस यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह हम ख़रीद रहे हैं। तो जनाब हम आए हैं अब कपड़ों की शॉप पे, ये काफ़ी बड़ा प्लाजा है और यहाँ 14 अगस्त के हवाले से लड़कियों और बच्चियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं। कपड़े तो हमने ख़रीद लिए हैं और अब हम दर्जी को दे रहे हैं और इनके पास ऑलरेडी जो कपड़ों के नाप वगैरह हैं वो मौजूद हैं। तो अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि असर की नमाज़ का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। तो बस हमने घर जाके असर की नमाज़ पढ़नी है और इसके बाद हम चाय पियेंगे। मोहम्मद इलाफ कार में अब्बू के साथ रहे थे, इन्हें मैं किसी भी शॉप पर नहीं लेके गई तो ये आराम से अब्बू के पास ही रहे थे। तो अब इन्हें थोड़ी बहुत भूख लगी हुई थी तो मैंने शॉप से इन्हें कुछ ना कुछ ले दिया था। बस थोड़ी देर में अम्मी के घर रुकूंगी और फिर घर चली जाऊंगी। अहमद आप क्या कर रहे हो? ये मैं अपने लोगों आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा YouTube चैनल का लोगो है, आप जाएं और मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़। अहमद इमरान मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ, अहमद मुझे मुख्तलिफ किस्म के लोगो दिखा रहे हैं जो उन्होंने खुद बनाए हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, अगर उनकी ज़रा सी रहनुमाई की जाए तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छे लोगो बनाए हुए हैं और मैं देख रही थी। आजकल का दौर ही जदीद टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर का है, तो बच्चों की ज़रूर इस तरफ रहनुमाई आप करें अगर आपके बच्चे दिलचस्पी लेते हैं। मुझे आए और मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो और मुझे कमेंट्स पे प्लीज़ थोड़े आइडियाज़ दें मैं क्या करूँ, सब्सक्राइब करना है मुझे ये, और ये वीडियोस भी हैं मेरी थोड़ी सी, तो उस इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और साथ कमेंट भी करें, मुझे आइडियाज़ दें मैं वीडियो। अम्मी के घर में थोड़ी देर के लिए रुकी, चाय शाय पिए और फिर मगरब की नमाज़ मैंने घर आके पढ़ी। तो रमीज़ आज लेट आएंगे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कहीं खाने पे जाना था तो वो लेट आएंगे। तो मैंने जो रमीज़ के कपड़े हैं वो प्रेस कर दिए हैं सुबह के लिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।